भगवान के भी अजीब खेला बा। जब मौसम होगी तब पतझड़ होगी और जब मौसम ना होगी तब तूफान आ जाए। रघुआ के जाके इतना साल बीत गया। आज की कार्यवाही शुरू की जाए। थैंक यू योर ऑनर, मैं अपने मुवक्किल वीरेंद्र प्रताप को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं और मैं साथ ही चाहता हूं कि सामने वाले पक्ष के भी दोनों को इस कटघरे में बुलाया जाए। इजाजत है। प्रणाम। प्रणाम साहब। योर ऑनर, यह केस शीशे की तरह एकदम साफ है। जायदाद के असली मालिक मेरे मुवक्किल वीरेंद्र प्रताप, जबकि उनके चचेरे भाई देवेंद्र प्रताप उर्फ देवा और गजेंद्र प्रताप उर्फ केरू इस जायदाद पर अपना नाजायज दावा कर रहे हैं, जबकि जायदाद का बंटवारा पहले ही हो चुका है। अदालत ने अभी तक दोनों पक्षों की बहस सुनी है। अब इस मुकदमे की अगली सुनवाई 7 दिनों के बाद 20 तारीख को होगी। तब तक यह अदालत मुलतवी की जाती है। थैंक यू। सर। वकील साहब जी, मुकदमा का काम हुआ। अरे ठाकुर जी, ये केस हम ही लोग जीतेंगे 100%। काहे कि देखिए, ना तो आपके भाई के पास कोई सबूत है, ना कोई गवाह, और 7 दिन का तो बात है। 7 दिन के बाद हम ये केस जीत ही जाए, फैसला आ ही जाए, तो चलिए ठीक है। चलो जी। अब अगला सुनवाई 20 तारीख की हुई। वैसे वकील साहब कहले हुन कि हमारा केस बहुत मजबूत था। अच्छा। जीत हमरे को। भगवान के लाख लाख शुक्र बा। दे। से छुट्टी मिल गई तोहरा क्या है का? बैठा बैठा दुर्गा। अरे देखा तक क्या हिलबा। अरे भाई साहब प्रणाम। प्रणाम। बहुत दिन बाद। तू तो लगवा काम के बारे में जानते वानी। आप दोनों बैठ के बतियाई, हम चाय लेके आवले। ठीक बा। एक बात बता बा। जी। दीदीया का भेजले भी आपकी? देखिए ये कैमरा है, इसमें फोटोग्राफी के साथ 2-3 घंटा के वीडियो शूट भी हो सकेला। हां ना ही कमाल के चीज। अच्छा देखी था। अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल की चीज हो।
बहन दीदी मस्कट से वीरू खातिर तोहफा भेजले बिया। रउआ के तो पते बा दीदी के आदत है वो हमेशा दो चीज भेजेली, एक हमरा खातिर और एक वीरू खातिर। अरे वीरू तोहार मुकदमा के का होखल? अरे होए के का बा, अगला तारीख मिल गई बा, अब देखल जाई का होई। गेरू लागत था कि ये मुकदमा हमने के हार जाए। ऐसा मत बोल भाई साहब, पहले ही हमने सब कुछ जुआ में हार गई बानी, भाभी जी भी मैके में जाकर बैठल बानी। अगर ये मुकदमा हार गए ना भाई साहब तो हमनी बर्बाद हो जाए। जाना था नहीं लागत था कि अब हमने के सिर्फ सराफत भाई ही बचा सके लें। सराफत? इस सराफत क्या है भाई साहब? सराफत भाई हुए जे हमने के साथ जेल में बंद रह ले, लागत था कि चक्रव्यूह से हमने के अब उहे निकाल सके लें। हेलो। हाँ बोल देवा। सराफत भाई, देवा बोलता नहीं। का भाई? बड़ी मुसीबत आ गई बा भाई। लगा था कि हमने मुकदमा हार गए, अगर ऐसे ही चलत रही तो हमनी बर्बाद हो जाई। वीरू के हरावे के पड़ी भाई, चाहे कुछ भी हो जाए कौनो भी कीमत चुकावे के पड़े। काम हो जाए रे, पैसवा तो सबके नाच नचावेला। और याद रखिए हमार नाम शराफत बा, शराफत नेपाली, और ई शराफत के शराफत नाही आवेला। अरे तू लोग यहाँ पे का बात बा? वकील बाबू, प्यास लगी तो प्यासल के ही कुआं के पास आवे के पड़ेला। देखा, सीधा सीधा बात कर, हमरा के घुमा फिरा के सुने के आदत नहीं के। देखी वकील बाबू, अगर तू हमनी के साथ देबा ना तो बात बन जाई। मतलब? देख वकील, अगर तू ये मुकदमा जीतबे तो वीरेंद्र प्रताप तो के 10-15 हजार रुपया फीस दी है, लेकिन अगर ये मुकदमा तू हार जाए तो हम तो के 20 लाख रुपया और 10 एकड़ जमीन दे। इला 5 लाख रुपया एडवांस। वकील बाबू अच्छी तरह सोच ला, अब अदालत में मिला। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। पेश किए गए दस्तावेजों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जायदाद पर देवेंद्र और गजेंद्र प्रताप का दावा सही है। वीरेंद्र प्रताप अपना दावा सिद्ध करने में नाकामयाब रहे हैं। अदालत सारी जायदाद, खेत, हवेली देवेंद्र प्रताप और गजेंद्र प्रताप को सौंपने का आदेश सुनाती है। क्योंकि सारी जायदाद से बेदखल होने पर वीरेंद्र प्रताप का गुजारा मुश्किल होगा, इसीलिए अदालत वीरेंद्र प्रताप को हवेली के बगल वाले मकान में रहने की इजाजत देती है। अदालत की कार्यवाही यहीं खत्म की जाती है। किशोर बाबू, रउआ तो बोले रहे कि ये मुकदमा हमारी जीत। अब का बताएं कैसे हो गई ली सब, बाकी घबराई नहीं ठाकुर साहब, हम ऊपर के अदालत में जाए अपील करब, हो जा सब ठीक हो जाए, विश्वास करो।
जो सपना दिखले रहनी जा हवेली खाली करनी होगी। हाँ मजबूर है, आज से ये हवेली देवा और गरीब की हो गई है। आपको बगल वाले मकान में जाना होगा। ये कागज अर्जुन, पूजा आवा बेटा, चला हमने के यहाँ से जाए के बा का भाई ये हमार हवेली है। पूजा चला बेटी, हमने के दूसर घर जाए के बा, चला आवा आवा बेटा आवा। भाग्यवान, देखा आज से ही हवेली तोहार। आय हाय, हम तो खुशी से मर ही गई नी, ये सारा का सारा हवेली हमार बा। भाभी, भाई साहब ऐसन चाल चलन, ऐसन चाल चलन के सांप भी मर गई और लाठी भी न टूटे। अरे अर्जुन बेटा, हाँ? पापा हवे का घर पे। हाँ हवे। सब पर से भरोसा हमरा पता है, ये जरूर दोनों भाइयन के साजिश होगी। बड़ा शातिर हवे दोनों, और जेल गईला के बाद और भी शातिर हो गए बड़े। हो सके शायद ऊपर वाले का ही है मर्जी। अरे अर्जुन मार के चल गए। माई माई का भाई वीरेंद्र, ओ वीरेंद्र बाहर निकल। देवा का भेल देवा? देख वीरू, अब वो हवेली हमार बा। खुद के साथ साथ अपना बच्चन के भी समझा दे, अगर आइंदा हो जा नजर आइले तो हाथ पैर तोड़वा के पुलिस के हवाले करवा दे। अब चोरी करे के आदत पड़ गई भाई दुकड़ा लोग के। ए देवा, जवाब सवाल का बात कर, नहीं तो गर्दन काट के पैर पलट कर दे। बहुत बोली निकल गया। चलो वीरू अंदर, चलो चलो चलो, चल जा चुपचाप यहां से। चाहे तो चलो अंदर, चलो यहां आ बेटा। पूजा बेटा, अर्जुन आज के बाद अब वो हवेली में तू लोग ना जाइए, ठीक है? बाकी माई कहे ना जाए, वो हवेली तो हमने क्या।
पूजा बेटा सुना हमार बात, आज से ये घर हमारा, वो हवेली अब चाचा की होगी, ठीक है? ध्यान रही? हाँ ना माई, वो हवेली हमार रहल, हमार हा, और एक दिन हम ओकरा वापस लेके रहा। रात गए किशोर बाबू अपना हिस्सा के गिलास उठाई और जश्न मनाई, साथ में मिल के पियल जाए। अरे कमीना लोग, वही खातिर तो अगले बन। वाह वकील बाबू वाह, तुहार होशियारी तो वीरेंद्र पर भारी पड़ गई। अगर तू आज अदालत में चाल न चलल होता तो ये दोनों ठाकुर के खेत में हल चलावत रहता। अरे बोका लोग, वकील के तो पैसा बा दांव खेले, खेल हम ना खेल तो के खेल है। अब थोड़ा काम के बाद हो जाए। कौन सा काम? अरे वही हमारा हिस्सा दे दा हमरा के तो हम चली। कौन सा हिस्सा, कौन सा हिस्सा के बात करत बड़ा हो वकील बाबू? ये देवे के राल वो दे चुकली, अब शराब पिया और रास्ता ना पा वकील बाबू। ये तो सरासर धोखा बा, तुम लोगों ने कहा था केस हारने का 20 लाख रुपया और 10 एकड़ जमीन दोगे, ओकरा का धोखा दे? अब तो हमने तोरा से ही सिखले वाली वकील बाबू, तू वीरेंद्र प्रताप का धोखा दिला और हमने तोरा, हिसाब बराबर। वकील बाबू ये अपना भाई के ना भइल वो तोहार का होई। ठीक बा, हम सच्चाई जाके सबके बता देता नहीं जा, तब हमारा दिल के सुकून मिली। जब सड़क पे जाके भीख मांगवे ना तब समझ में आ जाए कि हम का हई और का कर सके नहीं, समझला? अरे शराफत, ई तो गर्जे लागल। दिल चट्टा के जब मौत आवेला तो उड़े लागेला ससुरा ई ले। वाह कमीना लोग वाह, आज हमरा के समझ में आ गया कि जीतल मुकदमा हम काहे हरली। लेकिन तू लोग बचपन आए का कि तू लोगन का खिलौना हरकत में अच्छी तरीके से कैद हो गई बा। तू लोगन के जेल जाए से अब कोई न रोक पाए, कोई नहीं।
रहुआ हम सब के अकेला छोड़ के चल गई नी। इतना बिना सोचनी कि हम रहुआ के बिगर कैसे जियब, अपन अर्जुन पूजा के कैसे पालब, अपन भाई सबके तो जनते बनी। बाकी रहुआ चिंता ना कर, हम अपन दोनों बच्चा के बहुत अच्छे से पालब, अच्छा इंसान बनाई और राहुल मौत के भी बदला ले, केहू के ना छोड़ब, केहू के ना छोड़ब। दुर्गा बहन, जवन भइल बहुत बुरा भइल, हम अपन सबसे बढ़िया दोस्त के खोले बानी, पर बहन हमके पूरा यकीन बा उ सब मिलके ही हमनी के बीरू के मरले होखी हैं। भाई साहब एगो बात कही। हाँ बोला बहन। भाई साहब हम जानत है कि हमार सुहाग के हत्या हमार दोनों देवर ही कैले बड़न, बाकी हम यो जानत है कि एकर पीछे दिमाग कोनो औरों के चलत बा, लेकिन भाई साहब एगो बिनती बा कि पूजा और अर्जुन के कब्बो ना पता चले के चाहिए कि ओकर बाप के हत्यारा के बा, नहीं तो अनर्थ हो जाए, समय आला पर हम खुद ही बता दे। ठीक बाबा, हम कबो वीरू के मौत के जिक्र ना करब, मगर अर्जुन अनाथ नहीं है, ओकर पूरा परवरिश हम करब, ओकरा भी हम अपन जैसन इंस्पेक्टर बनाई, पूजा के भी हम पूरा तालीम देहब। भाई साहब रहुआ हमनी के बारे में इतना सोचनी इतने बहुत बा, बाकी आज की दुनिया में तो आपन ही आपन के खून बहावत बा। अरे छोड़ राधा के, भागे जैसे ना जेबी तक ठीक ना होकी। अर्जुन अर्जुन आओ बेटा। राधा अब तू हो घरे चल जाइ। यहाँ के हा? अरे भाई साहब आप प्रणाम। बहन जी प्रणाम। आई 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 बैठी बैठी। दुर्गा बहन लागत रहुआ कोनो ख्वाब में खोल रही। ना भाई साहब बस ऐसे ही कुछ बीतल बात याद आ गई। खैर छोड़ी रहुआ बताई कैसे आई ही? इधर से गुजरत रहनी तो सोचनी मिलत चली, लेकिन खाली हाथ नहीं की आई, दोहरा खुशी लेके आई बानी। दोहरी खुशी भाई साहब? पहला तई कि हम डीएसपी बन गई नी, और दूसर कि राउर सपना के पूरा करे खातिर अर्जुन आज अपन ट्रेनिंग पूरा कर ले लेबा और वो पुलिस के यूनिफॉर्म धारण कर ले लेबा, वो इंस्पेक्टर बन गई बा और ओकर पोस्टिंग भी यही इलाका में भइल बा। अब हम दोनों मिलके इलाका के सारा बदमाशन के सफाया कर जाए। हाँ भाई साहब ये बात के इंतजार थे हमके भी, इनकर तस्वीर देखत देखत एक अरसा गुजर गई, मगर आज तक जख्म के शांति ना मिला। हमहू इंतजार करते कि हमरा सुख चैन छीने वाला, हमरा मांग के सिंदूर छीने वाला के कहिया सजा मिली। बहुत जल्दी मिली बहन। अंकल ली भैया पूजा बिटिया आ गई। प्रणाम। खुश रहो। रहुआ कैसन बानी? अरे पूजा बिटिया कितना बड़ा हो गए बाड़ू तू, हम तो अच्छा बानी, तू कैसन बाड़ू? हम ठीक बानी, रहुआ बैठी हम चाय लेके आवतनी। वक्त भी कितना जल्दी गुजर जाला बहन, पता ही ना चलेला। हेलो सर, सब इंस्पेक्टर महेश बोला तानी। हाँ महेश बोला, का बात बा? सर बैंक मैनेजर के जौन बच्चा किडनैप भइल रहे उ लोकेशन के पता चल गए, अपहरण करता छोड़े के 25 लाख मांग रहल बा सर, और इंस्पेक्टर अर्जुन ओहिजा गइल बाड़े सर। अरे उ तो आजे ज्वाइन कइले सर, ओकरा केस के बारे में का पता होकी? सर हम उनका बहुत रोक ली, बाकी वो ना मन ले। अच्छा ठीक बा, तू हो पुलिस फोर्स के साथ ओहिजा पहुँचा, हम भी अभी पहुँचा तानी। ओके यस सर। काबिल भाई साहब। बहिन हमरा के चले के पड़ी, दुआ करा कि अर्जुन अपन काम में कामयाब हो गया, हम चला था नहीं। हमार अर्जुन जरूर कामयाब आ गया, वो हमार बेटा। कितना बजे का टाइम दे ले बाड़े रम मैनेजर के?
टाइम तो हो गयल बा भाई। तो जरा क्यों आयल बा का? लगत बा भाई मैनेजर आ गए। और भी बाका क्यों? ना भाई और क्यों नहीं के अकेला बात। ये बोले रे तू? जहां जहां कदम रखेली तूफान वहीं से आ गया। अरा रहा 1000 एकरा में से तहे दे। पकड़ ले सबके, केहू भागे ना पावे। सर शाबाश अर्जुन, तू बहुत बहादुरी के काम कइले बाड़ा। आई एम प्राउड ऑफ यू। नहीं मैनेजर साहब, राहुल बेटा बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। दुर्गा बहन और पूजा तुम्हारे इंतजार कर रहे लोग। अब तू घरे जा। यस सर। अरे बहुत दिन पहले देख ले रहे करा के हम। पूजा जी माई आई नी। अरे बाप रे, इतने दिनों आंख मारे ले। ठाकुर साहब। हाँ बोलो। हम गजोधर बोला था नी। भाई साहब, भाई साहब। गजोधर। हाँ बोल गजोधर, फोन कहे के ले। ठाकुर साहब, पुलिस हमनी के पीछे लागल बा।
हम जैसे तैसे छुप रहल बानी। ठाकुर साहब हमनी के बचा ली। ससुरा कौनो हमसे पूछ के गेल रहले का बच्चा उठावे। खैर अभी पुलिस से बच्चे के बाद कुछ दिन खातिर नेपाल भाग जो। शराफत नेपाली से मिल, वो तोरा रहे खाए के बंदोबस्त कर दी। और हाँ आइंदा ऐजा फोन मत करे। ठीक है ठाकुर साहब। अर्जुन हमनी के भी पीछे पड़ल होखी, अब कुछ दिन काम संभल के करे के पड़ी, समझ ला? जी भाई साहब। सर आओ अर्जुन, एक खास जिम्मेदारी देने के लिए आपको बुलाया है, बैठो। अर्जुन आज हमारे देश को पड़ोसी मुल्क से आने वाले दहशतगर्दों से बहुत खतरा है, और उससे भी ज्यादा खतरा देश के अंदर रहने वाले गद्दारों से है। और इन्हीं गद्दारों पे नकेल कसने के लिए हमने एक मिशन तैयार किया है। डीएसपी साहब इस मिशन की जानकारी दे देंगे। थैंक यू सर। अर्जुन जैसन की एसपी साहब बतौले, हमनी के मुल्क में पड़ोसी मुल्क से लाके हर साल लगभग 500 करोड़ के नकली नोट हमनी के इलाका से होखत पूरा देश में जाएला। नकली नोट के माफिया हमनी के मुल्क के दीमक के तरह चाट रहल बाड़े, खोखला बना रहल बाड़े। पर अफसोस के बात तो ये बा कि ये सब हमनी के आँख के नीचे हो रहल बा। अगर हमनी के पूरा ताकत से नकली नोट के कारोबार के रोक देनी तो हमनी के देश के बड़ा राहत मिली। गौर से देखा अर्जुन, यह शराफत, शराफत नेपाली, ये धंधा के मास्टरमाइंड। पहले ये हमनी के सेना में सिपाही रहे, पर एक बारी आतंकवादियों के गोली बेचत समय पकड़ल गए तो ओकर कोर्ट मार्शल हो गए और ओकरा 7 साल के सजा हो गई। मगर ये जेल से भाग के नेपाल चल गए और पुलिस की आंख में धूल झोंक के आज तक नकली नोट के कारोबार कर रहल बा। बहुत शातिर और खतरनाक बाई, जब से भारत सरकार 1000 और 500 के नोट के बंद कर देले बा, तब से ही अपन पुराना नोट के खफावे खातिर अपन धंधा कुछ ज्यादा ही तेज कर देले बा। ई इलाका से नकली नोट के जखीरा भारत में ले आवेला और यहाँ से अपना देश के अलग अलग हिस्सा में पहुँचावेला। मगर ये गोरख धंधा में कुछ गद्दार लोग भी शामिल बाड़े। हमनी के खुफिया टीम के शक बा कि एकरा में देवा और गेरू जैसन लोग भी शामिल हो सकत बाड़े। ये फाइल में उनकर पूरा जानकारी बा। यस सर, ये काम हम पूरा ईमानदारी और लगन से निपटाए सर। गुड, अब तुम जा सकते हो। जी सर। का शर्मा जी, सुबह सुबह ही पटाखा फोड़े लगनी? अरे आपके पता चल गई महाराज। अरे का कहें, रात ही जब पेट में गड़बड़ बा। आ मिसिर जी, बहुत दिने से दिमाग में एगो सवाल तय रहता, पूछी का? पूछी कनु परमिशन लेवे के हो का? उ का है मिसिर जी, जब लोग सुसु करे जाले तो एक नंबर के इशारा करे ले, और जब डकटी करे जाले तो दो नंबर के इशारा करे ले। आ जब पेट के गुमारा फाटे लगे महाराज, तो ओ खातिर कौन सा इशारा होला? देखी शर्मा जी, जब पेट के गुब्बारा फूटेला तो ओकरा खातिर कोनो इशारा ना होला, बुझनी? सर, जब पेट के गुब्बारा फूट के चारों तरफ फैलेला तो ओकरा खातिर ऐसे इशारा होखेला। अच्छा, ई का चला था यहां? शर्मा जी, ई का खुसर पुसर हो रहल बा? उ कुछो नहीं हुजूर, उ तो मिसिर जी से तबियत पर चर्चा होत रहे। हजूर, कौनो मैडम आइल बाड़ी एफआईआर दर्ज करावे। वो कहा तारी ये आपके आए के बादे एफआईआर दर्ज करवाई। ठीक बा, भेजाओ के जी। अच्छा तो तू बाड़ू एकरा खिलाफ एफआईआर करे के बा? शिकायत का बा? देख इंस्पेक्टर साहब, हमार शादी की उम्र हो चुकल बा, और हमार बाबूजी शादी के बात ही ना चलावे ले, और जिकरा से हम शादी करे चाहेले वो कहीं और भागल फिरल रहेला। उकरा ही खिलाफ एफआईआर दर्ज करावे चाहतनी। काहे, बदमाश है का? ना, लड़का तो बहुते निमन बा, मगर दिल ना बा उकरा पास। अच्छा, के बा? वो तोरा साथ वादा कहके कुछ कैलस तो ना? अरे कुछ कर ले तो काहे आई राउर पास एफआईआर लिखवावे, ओई जे ही मामला रफा दफा ना कर लेती। मतलब? अच्छा ये बतावा, वो रहेला कहाँ? हमरा दिल में रहेला, ये लाउन कर पता।
शर्मा जी हजूर तली गाड़ी निकाली तली देखल जाओ केवा। इंस्पेक्टर साहब दिल के मामला हा समूचे थाना ले जाए के का जरूरत हा अकेले चली कौनो जोर जबरदस्ती नहीं हा थोड़ा प्यार से समझावे के पड़ी मतलब जौना रोक के दवाई कौना बैठा बताई। शर्मा जी ये का हो रहल बा हजूर कहा कि थोड़ा मौसम देख करके मन लपलपा गई। अच्छा मन लपलपावे से पहले तनी अपन वर्दी के तक ख्याल करा। हजूर अब मन के वर्दी से का अब मन है तो लपलपाइबे नु करी। आ जाके अपन काम करी। आ जी हजूर के बहाने आ जा।
घर आ गई। चल हर बार बच जाता निकल। चल बहुत दिन के बाद मौका हाथ चल जल्दी करा। ए दरोगा निकला बाहर चल। ए दरोगा कहा है तो के पता बा के कर दुकान बा। अरे गधा अपन साथ साथ ओकरो भीतर जाए के इंतजाम करबई बे का है। तू आता ठाकुर के पास इटिका का शराब का लाइसेंस बा। इंस्पेक्टर साहब के हुकुम बा ई इलाका के सब गैर कानूनी शराब के दुकान बंद कर। बंद कर अपना चल बंद कर बंद कर। भगवा ई का हो रहल बा भैया जी। दुकान जबरदस्ती बंद करावल चाहत बड़न कहत बड़न के लाइसेंस नहीं करे वापस करे। तू सबके वर्दी में इतना गर्मी पैदा हो गई बा की आग मुझे लगले। गर्मी पैदा हो खेला चाचा। अर्जुन बेटा अर्जुन तू ये सब का हो रहा बा। देख चाचा ड्यूटी पर बानी काम करेदा रिश्तेदारी बाद में होई। अर्जुन वर्दी पहने से केहू बड़ा ना हो जाला। तलवार के धार कितना भी तेज होके अर्जुन ओकरा अपन म्यान में ही रह के पड़ेला जानेला क्योंकि वो अपने म्यान के ना काट सकेला। अगर तू भी हमनी के बन के रहबा तो ऐश करबा। चाचा अगर शेर के शिकार करे के शौक पल्ले बाड़ा तो के छोड़ दा। एक तो सरकार शेर के शिकार पर पाबंदी लगा दे ले बा और दूसर गली के कुत्तन से शेर के शिकार मुमकिन नहीं है। शर्मा जी। जी हजूर। उस सलमान खान दबंग में का कहला फ्यूजन। आप फ्यूजन ना हजूर कंफ्यूजन कंफ्यूजन। हाँ कंफ्यूजन वही तरह से कंफ्यूज हो जाएगा कि खाई कहाँ से और हगी कहाँ से। हगे ना हजूर पौधे कहाँ से। हाँ पादी कहाँ से का समझ ले रहो लोग। अच्छा सब फिल्म के भूत सवार हो गए बा। देखा चाचा पुलिस के अपन काम करेदा न पुलिस के दोस्ती अच्छा न दुश्मनी अच्छा। चल निकल यहाँ से वो लोग भी अपन काम करा। जी जी चल बंद बंद कर मैया वाला चल। अरे बंद कर आग दिखावता ससुराल तू कौड़ी के लवंडा ठाकुर देवेंद्र प्रताप के आग दिखावता। भाई साहब ओकरा भी ओकरे बाप के पास पहुंचा दी का। ना गेरू ना ओकरा तो हम ऐसन मौत मारब और ऐसन बत्तर मौत मारब कि बनावे वाला भी पहचाने से इनकार कर दी। ए पूजा पूजा काहे नाराज बड़ू हमसे। देखा अमर अब भैया आ गए बड़े अब हमनी कैसे मिलल ठीक नहीं खे। तारा से हमरा बहुत जरूरी बात करे तो। बोला देख पूजा अब पहले जैसा बात नहीं रह गए अब तो हम सरकारी नौकरी करत नहीं। तार भाई कहीं ना कहीं तो तार शादी करेबे करिय तो फिर हमरा से कहना। ये जो बात बना उ जाके भैया से कहा हमरा से ना तब हम जानब कि कुछ बन गई हवा। अरे कैसे तारा भैया से बात करी मरे के बका पहले कुछ ना बोल पैनी अब का खाक बोले अब तो पुलिस वाला बन गई कहीं अंदर कर दिए तब तू जिंदगी भर ऐसे डराते रहा एक दिन तोहरा के हाथ मले के पड़ जाए। अरे पूजा सुना तो सही हमके ना तोहर कुछ सुने के हा ना तोहरा से कुछ बात करे के हा। माई जल्दी करा भूख लागल बा। आ रहल बानी बेटा। अच्छे से खा। माई पूजा के शादी के बारे में का सोच ले बड़ू। का मतलब। मतलब ये कि पूजा बड़ी हो गई बड़ी पढ़ाई भी पूरा हो गई बा अगर ओकर शादी कर दिहल जाए तो अच्छा ही हो कि ना आखिर कभी ना कभी तो कर ही के बा ना। पर बेटा शादी करे खातिर कौनो लड़का भी तो होके के चाहिए। माई एगो लड़का बा हमरे नजर में बहुत ही नेक और अच्छा बा। के बा? उहे रामदेव चाचा के लड़का अमर अभी तो सरकारी स्कूल में टीचर भी बन गई बा। हाँ लड़का तो ठीक बा। ठीक है तू एक काम कर लेका से बात कर। माई एक बार पूजा से भी पूछ ला ओके वो लेका पसंद बाकी ना। तू लेका से बात चलाओ हम पूजा से बात कर ले और लेका बढ़िया बा पूजा की भी पसंद आई। पूजा भैया पूजा उतोरा पसंद बा ना। देखा पूजा
अब हम तो यार भाई है ना, एगो पुलिस वाला भी बन गए ले। दुनिया के खबर रखी ला ते हम अपन प्यारी बहना के खबर काहे ना रखी। भैया पूजा तू रिश्ता से खुश तो बाड़ू ना। प्रणाम। प्रणाम बेटा। अरे कैसे आयल हुआ, बैठा बैठा और सुनावा का बात बा। आप और आपके आशीर्वाद से सब ठीक बा चाचा। अर्जुन बेटा सब ठीक बना और दुर्गा बहन कैसे बाड़ी? चाची सब ठीक बा आपके दुआ से। और बोला कैसे आयला है बाबू? चाचा कैसे शुरुआत करी समझ नहीं खियावत। अरे बोला ना बेटा का भइल? चाचा हम पूजा और अमर के शादी खातिर आए बने। आपके हाँ होके तो। अरे बेटा पूजा तो पढ़ल लिखल समझदार लड़की है, वो हमार घर में लक्ष्मी बनकर आई। हाँ देखो बेटा ऊपर वाला सब कुछ देले है, घर दिया बार दिया बेटा दिया, एक बेटी ना रहल ओकरा के पूरा करे खातिर तोहरा के भेज देला। तो चाचा शादी खातिर हाँ समझी? अरे एमे कौना शक है, जाओ और जाके तैयारी करा। पाया लगी चाचा। खुश रहा। देखा ऊपर वाला एगो और खुशी हमरी झोली में डाल देलस। आई आई रहुआ सब आई। नाम बैठी। आओ बेटा तुम यहाँ बैठो। प्रणाम। खुश रहा। पूजा बेटा अब से तू हमारे घर के बहू बाड़ू, सबके ख्याल रखिए। तो हमार सौभाग्य बा कि पूजा की शादी अमर जैसन बेटवा के संगे हो रहल बा। जोड़ी तो ऊपर वाला बनावे ला ठकुराइन, हम तो सिर्फ कठपुतली हई। पूजा बेटी सुन ली हो, तोहर गला में सरस्वती हई, कुछ गाके सुना दे। मांगू हर पल ये वरदान। ये वरदान ऐसा पति मोहे दे भगवान। सुबह को उठ कर चाय बनाए, चाय बना कर मुझे जगाए, और कहे लो पियो मेरी जान, ऐसा पति मोहे दे भगवान। मांगू हर पल ये वरदान, ऐसा पति मोहे दे भगवान। तारीख को तनख्वाह लाए, तनख्वाह ला करो मुझे कमाए, हाँ पहली तारीख को तनख्वाह लाए, तनख्वाह ला करो मुझे थमाए, और कहे लो उड़ा लो मेरी जान, सपति मोहे दे भगवान। ये वरदान सपति मोहे दे भगवान।
संडे को पिक्चर दिखाए, फाइव स्टार में डिनर कराए। अरे भगल भूत के लंगोटी भला, डिग्गी खोल। भगल भूत के लंगोटी, उधर भी देखा। भगल भूत के लंगोटी भला। अरे मिश्रा जी, अब साहेब ऐसा नाका बंदी लगा दिले ना, अब का करल जाए? अरे पूछी तो सही कि अब का करल जाए? का करें? अरे महाराज, कौन लात के भूत भागत ससुरा आई तो ओकरा लूट लिहल जाए, बुझला? तब तो हमने माला मान हो जाए। शर्मा जी, सच में ऐसे नौकरी का? अरे महाराज, पूरा का पूरा ही भक्त चोनर है, कैसे हम लार में भर्ती हो गए जी? तक हम ऐसा ही पूर्वक है जे गा रहे हैं, अरे भगल भूत के लंगोटी भला। अरे गाड़ी रो, देख देख पुलिस बा, चल चल जल्दी जल्दी से गाड़ी भगाओ। अरे भाई वो छूट गए, रुक। अरे भाग भाग जल्दी, रुक जल्दी। बोला है कि देखल जाए मैं कहाँ जी, जी हाजू। अरे बाप रे, इतना माल सा है? अच्छा तो नकली नोट आ रहा है, ले चला है के? जी जी हाजू। भाई साहब, भाई साहब, सरफत सरफत भाई का फोन। हाँ सरफत भाई, कैसन बड़ा? हमार छोड़, अपन बता। लागता तोर सांस लेवे के समय पूरा हो गेल बा। का भेल सराफत भाई, कोनो गलती हो गेल का हमनी से? ससुरा हवेली में बैठ के ठूसत रहले, शहर के जिम्मा तोके सौंप ले रहली ना, फिर हमार धंधा के बाट कैसे लग रहा बा? सुन ले है, इलाका में नया इंस्पेक्टर आयल बा, वो तोर भतीजा है ना? हाँ हाँ सराफत भाई। तो जो और जाके समझाओ ओकरा, और हमारा रुपया भी वापस ले आओ। और एक बात ध्यान रहे, सराफत नेपाली, जेकरा के शराफत ना ही आवेला। हाँ हाँ सराफत भाई। अगर ऐसे ही चलत रही ना भाई साहब, तो सराफत नेपाली हमने के उल्टा लटका के ठोक दी, बहुत कमीना बाबू भाई साहब। अरे हाथ पे हाथ धर के बैठे से कुछ हो की? भगवान बड़ा बदमाश बाबू, नाक में दम करके रख ले बा। अरे पहले 50,000 हम की दी, तोहार काम हम कर दे। अरे तू बीबी बाड़ू या हफ्ता खोर, यह जान पे बनल बा, तोरा 50,000 रुपया चाहिए? दे दी ना भाई साहब, ये 50,000 का जान रही तो 50 करोड़ कमा लिया जाए। इला अब चुपचाप बैठ के देख जाए हमार कमाल। बड़की दीदी, ओ बड़की दीदी। के हाँ? ओ रउआ आई चाची। अरे बेटी, तू तो कितना बड़ी हो गई बाड़ी, और कितना सुंदर भी। अरे हाँ माई का हुआ बाड़ी, माई मंदिर गई बाड़ी, आईते हो खियन, रउआ बैठी। सुन ले बानी तोहार, शादी तय हो गई बा? हाँ चाची, अगले महीने तय है। अरे मुबारक हो बेटी। तू दो नहा पूतो होला, कुछ लाइल बनी तोहरा खातिर। ई कहा? अरे बेटी पैसा हो रख ल, तोहर चाचा भेज ले बड़न, शादी ब्याह के घर बा, रख ल बेटी, जरूरत पड़ी ही। और हाँ अर्जुन से कह दियो, और जरूरत पड़ी तो लेके जाए अपने घर बा। अच्छा अब हम चले तानी।
हाँ माई आई है तो कह दिया कि चाची आयल रहली। पूजा पूजा हाँ ये दिव्यानी काय खातिर आयल रहे? रउआ से मिले आई रहली। उ कहे ये पैसा देली रउआ के देवे के कहली हा? कहली शादी में काम आई। ठीक बा तू जा अंदर। ठीक बा माई। ले हम सब काम ओहो सिर्फ 50,000 रुपया में नून लगे ना फिट करी और रंगाइल चोखा अब कहीं का कहता नहीं। अरे भौजी तू तो कमाल कर देलू। अगर ये टोटका फिट हो गई ना तो भैया जी तोके हर महीने 50,000 देंगे। महंगाई कितना बढ़ गई बा। अरे भाग्यवान ये टोटका अगर फिट हो गई ना तो रोज के 50,000 रुपया दे। भाई साहब भाई साहब दुर्गा भाभी दीदी। अरे दुर्गा भौजी रहुआ है क्या आई? रुक जो देवा अगर एक कदम भी आगे बढ़ोले तो चल कर खाक हो जी। तोर इतना हिम्मत कि तू हमरे घर में कदम रख ली। अगर ये गलती दोबारा भइल और अर्जुन के पता चल गई तो अनर्थ हो जाई। अच्छा तो तू हमरा धमकी दे गइल बाड़ू। नसीहत देत बनी अगर जान प्यारी है तो पैसा से रिश्ता खरीदे की कोशिश मत करी। काहे कि रिश्ता के खून से तू बरसों पहले कह दे ले। बार बार कान खोल कर सुन ले देवा नहीं तो बेमौत मर जेबे। और सुन देवा कि पैसा संभाल के रखिए ऐसे तोर चीता की लकड़ी और तोर कफन खरीदे के काम आई। और तोर सफेद साड़ी भाई साहब इदाउं ता उल्टा पड़ गई। तू और यहाँ का बात बा? घर आई मेहमान से केहू ऐसन बात करेला का? तू और मेहमान मेहमान तू अपने घरे होकबू सारा दिन ही ते पड़ल रहे लो। देखा अर्जुन हम तो से लड़े नहीं आयल बनी एगो बात पूछे के रहल तो चल आई नी। पूछा पूजा की शादी तो तय हो चुकल हा अब तू कब तक कुवारा रहबा? तोरा के का हम शादी करी चाहे कुवारा रही। देखा अगर तू शादी करबा तो एगो लड़की की शादी हो जाये अगर तू कुवारा रहबा तो हम भी कुवारी रह जाये और हम कुवारी रहना चाहे नी। ओए तू समझत का बाड़ू हमार शादी या तोरा से कबो ना। काहे हमरा में कोनो खराबी हका अप्सरा से सुंदर फिगर हा हमार। अब तो जा यहाँ से। देखा अर्जुन शादी तो हम तोहरा से करब ई देखा काबा सिंदूर ई काहे? हाँ सिंदूर चुपचाप है सिंदूर हमरा मांग में भरदा वरना हम डाल के कह दे के तू डल्ले बड़ा। ओ लेकिन ई सच नहीं खे तल्ला चुटकी भर सिंदूर और सच कर दा। हट आपके कहवा जे बताने दल जी।
ठीक है। I love you, Dad. I like it. रुक जाइए छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर रुक जाइए, रघुआ गिर जाए, छोटे ठाकुर रघुआ गिर जाए, रुक जाइए। Love you, Dad. I like it. मजा आ गया। कहत रही ना छोटे ठाकुर, रघुआ तेज मत चले गिर जइयन, और गिरला भी तो गिरला कहा कीचड़ में, छी 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 छी। बाप रे ठाकुर साहब लागल तना। चोट तो दिल पे लगी है, ये लड़की कौन है? छोटे ठाकुर, ये नारायण जी के लड़की राधा है। She is beautiful. I like it. देखता हूँ कौन आता है तेरी मदद करने के लिए। कौन है रे तू? और पाप तो रोके पता लस्ता के बानी हम। कितना बेरहमी से मर ले बा हमार बेटा के माँ, हमार लाल भाई साहब इतहाद हो गई। अर्जुन हमने से खानदानी लड़ाई के बदला ले रहल बा, पर हमने भी जल्दी ओकरा खून के आंसू ना रुलवली तो हमार नाम भी ठाकुर देवेंद्र प्रताप नहीं। आइए सर।
एसपी साहब। देवेंद्र प्रताप, ये का हो रहा बा? रउआ रहत ही एगो शरीफ इज्जतदार आदमी के सरेआम पीटल जा रहा बा, क्या मतलब है आपका? मतलब तो रउआ डीएसपी साहब से पूछी कि इलाका में का चल रहा बा। देखा देवेंद्र प्रताप, तोहार बेटा की गलती बा। तोहार बेटा एगो लड़की के साथे जबरदस्ती करे के कोशिश कर ले सा, शर्म आवे के चाहिए तोहरा। डीएसपी साहब, रउआ कुछ ज्यादा ही बोला था नी। देखो देवेंद्र प्रताप, डीएसपी साहब सही बोल रहे हैं, सही है तो एफआईआर क्यों नहीं करवाते? आप भी जानते हो कि आपका बेटा गलत है। एसपी साहब, रउरा हमार पहुंच के अंदाजा नहीं खे, सही गलत का बा वो हम रउआ के बताई। हवा बहुत तेज चल रहा बा देवा, संभल के चलिया, कहीं ऐसा ना हो कि मिला ही ना। अच्छा, तोरा से तो हम पाई पाई के हिसाब करब। अभी तो अपन बेटा के जख्मन के हिसाब गेन, ऐसे ही सब कुछ चलत रहा तो बहुत जल्द तोरा ओकर हड्डी गिने के मौका दे। चल गे रो। अर्जुन सर, तुमने जो किया सही किया, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था। देखा अर्जुन, परिवार की लड़ाई के पेशा से जुड़ना ठीक ना है, आगे से ऐसी गलती ना होगे के चाहिए। अब तुम जा सकते हो। प्रणाम। आवा रामधनी आवा, कैसन बड़ा? रावर कृपा से ठीक वानी। रहुआ हमके बुलैनी है, कौनो काम रहल का? काम तो बा, पहले बतावा का ले बतू? ना ठाकुर साहब, हमके कुछ न चाहिए, बस रहुआ हुकुम करी। सुन ले बानी, अपना बेटा के ब्याह पक्का कर देले बाड़ा? हाँ ठाकुर साहब, वो अपन अर्जुन बा ना, ओकरे बहन के साथ पक्का कर ले बानी। अच्छा, मुबारक होके, कब बा शादी? अगला हफ्ता ठाकुर साहब। हमने के ना बुलेबा का? अरे ठाकुर साहब, हमारे यहाँ खुशी के मौका हो और हम रउआ के ना बुलाए, ऐसा कैसन हो सकेला? अरे दहेज कितना मिलल बा रामधनी। दहेज लेके क्या करब, कौना हमें अपनी लड़की बिहाना है का? अरे पगला गिल बाड़े का, अरे दहेज ना लेबा का रामधनी? का भाई, सोच में पड़ गई का? ठाकुर साहब, हमार लड़का सरकारी नौकरी में है और ठाकुर साहब वो दोनों एक दूसरे के पसंद करेला। देख रामधनी, वो हमार भतीजा बा, पुलिस के नौकरी में बहुत कमाला, तो ओकरा से वो गाड़ी और 20 तोला सोना मांग। ई का कहत है ठाकुर साहब? देख रामधनी, ये हमार शर्त बा, अगर शर्त ना मन ले तो प्रधान बने के सपना जिंदगी भर भूल जो, और समाज में तोहार हुक्का पानी बंद करवा दे हब उ अलग। तू जानेला हम जौन बोले ली उ करे ली, समझ जाई है इतने में? जी ठाकुर साहब, जैसन आपके मर्जी। प्रणाम प्रणाम। एकदम परी के जैसन लागत अरु, घबरा मत, तोहरो दिन आई। काश तोहार भैया मान जेतन तो ई दिन हमार जिंदगी में भी आ जाते। अरे का, अभी तक कोनो तैयारी नहीं थे भाई, बताओ बारात आए वाला है? अरे अर्जुन कहाँ है? माई, भैया के फोन आई रहे, वो थाना में बाड़े आईते हुई हैं। आज भी ड्यूटी चल गई? अरे जरा भी जिम्मेदारी नहीं थी लड़का को कि बहन की शादी है घर में। माँ, शादी करवा दो उनकर, जब जिम्मेदारी आई ना तो खुद भी खुद सुधर जाये है। ए, तो हमार भाई के काहे उल्टा सीधा पट्टी पढ़ा रहल बाड़ू? एकदम सही पट्टी पढ़ा रहल बिया, एकर शादी हो जाए दे तो और भी शादी करा दे। आज ड्यूटी चल गई, लेना जरा भी जिम्मेदारी नहीं थी। माई तू लोग चला, हम कपड़ा बदल के आवा तानी। जा जल्दी। चम 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 चम
जजमान दूल्हा लावा जयमाल के लिए। अच्छा पंडित जी बेटे आई। चला अर्जुन एक मिनट दोहरा से कुछ बात करेंगे। चला हाँ चाचा जी का बात पर रामदीन चाचा। देख अर्जुन हमके घुमा फिरा के बात करे के आदत नहीं खे। हमार दोगो शर्त है। शर्त चाचा जी कौन शर्त? हमके शादी में 20 तोला सोना और एक बाइक चाहिए तब्बे जयमाला और शादी होगी। रामदीन चाचा ये अब का बोला था नहीं? अभी हम अचानक इतना रुपया कहाँ से लेके आई? अगर दोनों सामान नहीं मिलन तो बारात जैसे आयल रहल वैसे वापस जाए। ऐसा मत बोली चाचा जी ऐसा मत बोली। हम दहेज ना मांगब तो दोगे भी नहीं का? लड़का सरकारी नौकरी में है इसते खातिर इससे ज्यादा दहेज देने वाले खड़े हुए हैं। जल्दी बोल अर्जुन इतना दहेज देबे या बारात लेके बाहर जाएं? नहीं रामदीन चाचा ऐसा मत करी। ये हमनी के इज्जत के सवाल बा। अगर ये शादी टूट गई तो हमनी कहीं के ना रहब और हमार बहन पूजा से बिया के करी चाचा। देख अर्जुन हम ये सब सुने नहीं खे आई नहीं दहेज है तो दे वरना ये शादी ना होई। रामदीन चाचा हमने लगे इतना रुपया नहीं खे आप ही शादी हो जाए दी हमने आपके धीरे धीरे कह के सब कुछ देते। देख अर्जुन ये बाजार नहीं शादी है यहाँ उधार ना चलेला। देख अर्जुन ये बाजार नहीं शादी है यहाँ उधार ना चलेला। चल अमर ये शादी ना होई। नहीं खे तो शादी का उन बात के बाबूजी ये सब का तो चल यहाँ से भिखारी लोगन के घर से बहु ना ले आए हम चल भाई सब ना चल।
करी है। ऊपर वाला चाहिए तो सब ठीक हो जाए, नहीं चाय पी ली। हम तो नहीं राउंड पर जा रहा बानी, डीएसपी साहब पूछे तो बता दी। अर्जुन बेटा, पूजा के ब्याह टूट गई, सुन के बड़ा अफसोस भइल। अरे दान दहेज खातिर भाई साहब रुपया भिजवाले रहे, पर भाभी जी लौटा दे, अब बताओ। अरे हमनी कौन सा पराया रहनी, दहेज के खातिर रुपया कैसे मांग लेती, अब पूजा से ब्याह के कर। अरे अर्जुन बेटा एक बात बताई, दूध के दाँत जब नया नया निकल हो ना तो मुलायम की दिखाए के चाहिए, लोहा ना चबाए के चाहिए। माई बोला। माई पूजा कहाँ बड़ी? अंदर रोती है। तो अपना आप के संभाला पूजा, सब कुछ ठीक हो जाए, रोवा मत। चल शर्मा जी के लगे। अरे छोड़ दे हमरा, अरे छोड़ दे हमरा, आज तो क्रियाकर्म करके छोड़। क्या भइल रे, फिर आ गई है? शादी चोरी के ले बा, अब अहिए पकड़ के लिया होता नहीं। अच्छा तुझे हम देखा था नहीं। ठीक का रे बब्बन, तहरा इतना सुधरे के मौका मिले, क्या अब सुधरबे? का करी साहब, पेट जो न करावे, दो दिन से खा भी है नहीं थे साहब, हाथ सफाई करने चले गए थे साहब। हम लोग चोरी चमारी नहीं करेंगे साहब, तो आप लोगों का दाल रोटी कैसे चलेगा साहब? कहाँ बोल रहा है रे ससुरा, दाल रोटी कैसे चलेगा? अरे डंडला डंडला, ससुर को बताते हैं गुजारा कैसे चलेगा है? ना साहब, गुजर चल दे साहब, जरा याद करो साहब, जब आप एनसीसी में थे हमको पकड़े थे, होम गार्ड में आप सिलेक्शन हो गए थे साहब। हाँ याद बा, फिर याद करिए साहब, दूसरी बार हमको पकड़े थे तो होम गार्ड से सिपाही बन गए थे साहब। हाँ हाँ याद बा साहब, फिर पकड़ेंगे ना तो हवलदार से इंस्पेक्टर बन जाएंगे, इंस्पेक्टर से एसपी बन जाएंगे, एसपी से डीएसपी, डीएसपी से कमिश्नर। साहब साहब, लगता है साहब चले गए। ठीक है अर्जुन, काम कर, क्या समझते हो खुद को, और आप भी सुन लो, अच्छे से काम करो, नहीं तो समझ लेना कि फिर क्या होगा। ठीक है, बस तुम लोग किसमें दोनों को इकट्ठे करो। जी सर। क्या मैंने नहीं चले गया? जी सर। के बारे के बात साहब, आप तो वो मेरी लाल के जैसे सपने में चले गए थे। अरे वो कहा है कि थोड़ा फ्यूचर में चले गए थे, अब तुम्हारा दर्द सुन के थोड़ा इमोशन जाग गया। एक काम कर ले, आए दादा हमारा पास कहाँ गया रे बटुआ? ते ससुरे न सुधरबे, भग ए थोड़ा झाड़ तो इसको, ए भग भग। सर सर जाओ, चाय वोट क्या कर रहा है? ठीक से दबा। जी सर। शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी ना,
शर्मा साहेब बोले की आदत डाल। शर्मा जी। हजूर माई बाप। आज सवेरे सवेरे चढ़ा लेने का गलती हो गई। जाइयो राज के फाइल लेके आई। जी जी हजूर। अरे बाप रे। सर एगो खबर मिलल बा। का? आज शराफत नेपाली के गुंडा लोग नकली नोट लेके अपन इलाका में दाखिल होत बाड़े। खबर पक्की बा? यस सर। आज ही है मौका बा उस सबके पकड़े खातिर। चला केहू गाड़ी में कुछ न मिला। मिली जरूर मिली। सर सर वो देखी ये बस तो नेपाल बॉर्डर से आवेला। अरे सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में नकदी नोट नेपाल बॉर्डर से भारत लाया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि पूछताछ से कई ऐसे बेनकाब चेहरे सामने आएंगे जो इस गोरख धंधे में शामिल हैं। नकली नोटों की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए भारत सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोट के प्रचलन पर रोक लगाई है। तब से नकली नोटों की कालाबाजारी करने वाले लोग सक्रिय हो गए हैं। पुलिस को शक है कि इस इलाके में कई ऐसे लोग हैं जो नकली नोटों के कारोबार से जुड़े हुए हैं, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वेल डन माय बॉय। थैंक यू सर। तुमने पुलिस फोर्स का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। डैड अनर्थ हो गया। इतना शोर का है का भेल? पुलिस ने गजोधर को नकली नोटों के साथ पकड़ लिया है। डैड गजोधर पकड़ल गई? भाई साहब कल अर्जुन अकरा अदालत में पेश कर और अकरा रिमांड में ली और अकरा मार मार के हमने खिलाफ अगुवाई। भाई साहब हाँ डैड अर्जुन तो अपने पीछे ही पड़ गया है। भाई साहब अगर गजोधर हमने के नाम पर दे रचना तो हमने सबके भी अर्जुन खाने लगे। हमारा तो बहुत डर लग रहा है। भाई साहब गजोधर हम सबके नाम से तब बची जब वो अदालत मतलब ना ही गजोधर कल अदालत जाई ना ही वो कल बयान दी। हो गया भाई साहब। वो तो ठीक बा कि हमने के भेद पुलिस से रह गई पर ओकर का जौन 2 करोड़ रुपया पुलिस के पास पकड़ा गई। अब तो सराफत अली हमने के मार मार के नंगा कर दी। अरे ओकर भी हो जाए गेरू। अर्जुन मुबारक हो चाचा मुबारक हो। अच्छा किला गजोधर के परवा देना। अगर वो जिंदा होखत तो तू सब लोग जेल में होखता। अरे कोनो सबूत बात तोरा पास कि हमने गजोधर के मरवाई नहीं? सबूत सबूत होखा तो तू सबके घसीट के वहां थाने तक लेके जाती। अर्जुन आवाज नीचे। ये तो पुलिस स्टेशन ना हमार हवेली बा और ऊंचा आवाज हमरा के पसंद नहीं थे। ये गिलास देख जब चाही तब मसल देह टूट जाए।
जब सबूत मिले ना तब आई है। चाचा जे भी गजोधर के मरले बा ओसे एगो गलती हो गई बा, वो अपन ड्राइविंग लाइसेंस वही छोड़ दे ले बा। देख ये तोर बेटा के नाम पता चलल बा कि मारे वाला तोर पुरान ड्राइवर रह चुकल बा। देख देख बर्फ के टुकड़ा के कांच के दीवार से टकराला था जरूर मगर खुद बिखर जाला। याद रखिए चाचा चौना दिन हत्यारा के पता चलल तो सबके नंगा कई के थाना लेके जाई। बहुत तेज चल रहा भाई, एकर तो कुछ करे के ही पड़ी। दिल चट्टा के मौत आवेला ना तब उड़े लगेला, एकरा भी उड़े दे। परंपरा रहल बा कि हमनी के हवेली के मर्द जवान भी लड़की के ऊपर उंगली रख देवे ना तो ओकरा ओसे शादी करे के ही पड़ेला। ले मुंह मीठा कर। ठाकुर साहब ये कैसे हो सकेला, पहले पहले राधा से पूछे के पड़ी। अच्छा तब तोहार भी सर उठे लागल बा, तू जाने लाना कि ठाकुरन के बात काटे के नतीजा का होखेला। देख भाई साहब तो तोके बड़ा इज्जत देता है, अपन संधि बना दे और तो लड़की तो दू टका के अर्जुन के आगे पीछे घूमत रहे। एक बात कान खोल के सुन ले नारायण, हमरा नाच सुने के आदत नहीं खे, या तो तू अपन बेटी के बियाह रोशन से कराओ या तो तोरा और अर्जुन दोनों के गोली मार दे। हम हमरा नाच सुने के आदत नहीं खे, न तो तोर बेटी के उठा के लेके जाई और तू हमार कुछ ना बिगाड़ सकेले। ना ठाकुर साहब हमके माफ कर दे, रहुआ जैसे बोली वैसे ही हुई। अब अइला ना लाइन पे, रात के भूत बात से ना माने। हाँ हाँ बेटी खा लो। नमस्कार भौजी, अंदर आवे खातिर ना कहू का? आवा, का काम बा? आज हमार रोशन के जन्मदिन बा और साथे में ओकर सगाई भी बा। एजा से गुजरत रहनी तो सोचनी रउआ सबके नेवता खुद ही दे चली। आखिर रउआ जे हमनी के खानदान के बड़ा बहू जे ठहर आई जरूर चलत। नमस्कार। ये जाई राक्षस के घरे। जैसा आप कहीं माई। हेलो सर, महेश बोला तानी। हाँ महेश बोला। सर ठाकुर देवेंद्र प्रताप के बेटा के जन्मदिन के दावत बा आज, और सराफत नेपाली और उनका गुर्गा लोग साथ में आ वाले बाड़े हुए जा। अच्छा तब तो वहाँ जाए के ही पड़ी, तो सिपाहियन के लेके तैयार रहा। ओके सर। का भेल बेटा, कहाँ जाए के बाद? माई आज हमके हवेली के दावत में जाए के ही पड़े। मेहमान बन के नहीं, कुछ लोग के सरकारी मेहमान बना ले। अब वो लोग के अंतिम समय आ गए। कमाल बा, बहुत ही खूबसूरत। अरे आज के पार्टी तो ठाकुर साहब खातिर बहुत खास बा। बेटा अम्मी के रात तोहार कुछ न केहू बिगाड़ पाए। भैया जी आई आई साहब लोग आई, रहुआ आई नी तमार महफिल में चार चांद लग गई। वो तो सब ठीक बा ठाकुर साहब, लेकिन प्रशंसा थोड़ा ज्यादा हो गई।
भाई साहब अर्जुन भी आ गए। आओ बेटा अर्जुन आओ। आखिर भाई के सगाई में भाई ना आई तके आई। अच्छा भाई ये तो यहाँ आखिर आ ही गई। आओ स्पेशल मेहमान खातिर हम स्पेशल जगह रखते हैं। आओ भाइयों एवं बहनों बाप होके के नाते आज हमरा एक साथ दूदू को खुशी मिलल बा। एक तो हमार बेटा के जन्मदिन बा और दूसर ओकरा पसंद के लेकी से ओकर सगाई भी बा। ये अलग बात बा कि यहाँ नाचे खातिर और रउआ सबके दिल बहलावे खातिर हम शहर से जानल मानल नर्तकी के बुलवले बानी। सगाई से पहले ई खानदान के होखे वाली बहू अपन पति खातिर यानी कि हमार बेटा खातिर एगो प्यारा सा गाना सुनई है। मगर याद रहे कि गावे वाली एगो शरीफ खानदान के बहू बने जा रहल बिया। जब से सजान जी, जब से सजान।
अर्जुन रुक, अर्जुन भगवान की खातिर रुक जा। जब रोशन से ही ब्याह करे के रहे तो हमरे आगे पीछे काहे घूमत रहे? ना अर्जुन ना, ऐसन बात नहीं खे। ठाकुर बाबूजी और हमरा के बुला के डरावले धमकावले रहे कि अगर हम रोशन से ब्याह ना करब तो वो तोहरा के और बाबूजी की जान से मार देगी। तो बताओ हम का करती? का वो करे इतना हिम्मत? अर्जुन हमरा से दूर मत भागा। अर्जुन भागे के हता हमरा के लेके भागा ऐसन जगह जहाँ कोनो विपत्ति ना होके, नहीं तो हम मर जाए। अर्जुन प्लीज हमरा के अपना ला। ना हम तो के भगा के लेके जाए, ना हम तो के उठा के लेके जाए। कसम बा माँ भवानी के तोहर टोली सजा के लेके जाए। जय जय राम तेरी जय। अबे सुबह सुबह मुर्गा जैसे बांग कहे देता रे, चल डाल दे इधर। कहे डाली कान में? अबे दुटकिया बहुत जबान चला बता रहे। ओ साहेब दुटकिया मत बोला, एक तो 7 दिन के पैसा ना देला और दुटकिया बोला सर। बोली कह रहा हूँ साहब के। अरे बात बात पर साहेब के नाम कहे लेता रे, बताओ ऐसा क्या करेला दुटकिया? फिर बोला साहेब साहेब का हुआ मुरारी? एगो खबर है, गजोधर के मारे वाला रंगरसिया बार के बगल वाले मकान में छुपल बा। पक्का बा? राम तेरी चाय के कसम एकदम पक्की है। अच्छा इला। सर खबर मिलल बा की गजोधर के मारे वाला सेना रंगरसिया बार के बगल वाले मकान में छुपल बा सर। अच्छा तो अपन सब आदमी का तैनात करता, आज बच के जाए ना पाए, मगर याद रखिया ओकरा पर गोली केहू ना चलाए, हमरा वो जिंदा चाहिए। यस सर। शेरा अब तू ना बच पाईबा। ए, चल तू उधर देख, तू उधर देख, चल तू पर जो। हाँ ओजा वो कमरा में देख। ए, ए, साहब इंस्पेक्टर तू हमरा जाने लाना, हम केकर आदमी बानी, ठाकुर के ठाकुर। 2 घंटा में छूट जाए, सिर्फ 2 घंटा में, अगर हम छूट गए नहीं ना तब तू सब पुलिस वालन के पसीना छुड़ा दे। हम बच्चा तेरी दरवाजा खोल दे। जी हाँ जी। पुलिस थाना के कोठा समझ के रख ले बाड़े। धमकी दे बेटे। सर 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 बस 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 मर जाइए सर, मर जाइए सर, सर रुकवा घर जाइए सर। ठीक बात देखिया केहू भी छोड़ाया एक छोड़िया मत। जी सर। यस सर। माफ हमार धंधा के उसूल ऐसन बा, यहाँ जे गलती करेला वो जान से जाला, जेकर सजा मौत बा मौत। देवर उसका भाई आया है, बुलाओ ओकरा। आवा देव आवा। अच्छा तो पूरा खानदाने लेके आ गई लका? कहा कैसे आई? राफत भाई जैसे ही पता चला रहुआ इलाका में आयल बानी, हमने रहुआ से मिले खातिर तुरंत चले। काम कैसन चल रहा बा भाई? बहुत मंदा चला था भाई, बहुत मंदा चला था। पुलिस नाक में दम करके रख ले बा। अरे वो पुलिस जो नोट पकड़ ले रहा वो ले आयल बड़ा कि ना, कि खुद ही टकार गिला? ना सराफत भाई ना,
हमारी औकात जे हम रउआ के पैसा डकार जाई? हम तो बहुत ही शरीफ आदमी बानी। अच्छा तो अब तू शराफत के शराफत सिखावे लगला? भूल गेला का कि हमार नाम शराफत नेपाली बा और ई शराफत के शराफत नहीं आवेला? देख देवा हमार भी एगो बॉस बा, उनका का जवाब दे कि एगो दू कौड़ी के इंस्पेक्टर हमार लोगन से निखे सम्रत? बॉस तेरा पकड़ल गई। के पकड़लस? इंस्पेक्टर अर्जुन। शराफत भाई इंस्पेक्टर अर्जुन त नाक में दम करके रख दे ले बा। तोर भतीजा है ना? भतीजा बा मगर मन कराता ओकरा भी ओकरे बाप के पास पहुंचा दी। लगाता इंस्पेक्टर अर्जुन के काम तमाम ही करे के पड़ी। छोट आदमी छोट सोच, हर दफा पिट पिटा के आ जाला फिर भी अकल ठिकाने पर ना आयल। कुछ अलग कर, कुछ अलग सोच कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये पुलिस वाला लोग देखा आ गए ना ठाकुर के आदमी? हम तोहनी से बोलने रहनी ना कि 2 घंटा से ज्यादा ना रुक सके नी इस जेल के अंदर। चले के तबा लेकिन जिंदा ना मुर्दा। ए तू लोग का करे चाहता रहा? तोहनी के मन में का बा और तोहरे दिल में का चल रहल बा बोला। शराफत नेपाली के चाइना माल पसंद नहीं खे। माई जल्दी करा थाने जाए के बा। अभी आई नहीं बाबू। इला माई पूरी? तोर पसंद के आलू बैगन के सब्जी और पूरी भी बने लिया। जल्दी से नाश्ता कर ले हमके पूजा के भी जगाए के बाद नाश्ता कराए के बाद। इंस्पेक्टर अर्जुन हम पुलिस क्राइम ब्रांच से आए हैं। यस सर। जिस शेरा की कल आपने जेल में पिटाई की थी उसने रात में ही दम तोड़ दिया। का? लेकिन सर हम शेरा के इतना मर ली ना क्यों मर जाए? जरूर क्यों के साजिश होगी। देखिए ये सब आप अदालत और इंक्वायरी में बताइएगा। चलिए साहब अमर बेटा ऐसा ना कर सकेला, वो निर्दोष है, ओके मत लेके जाइए। माता जी हमें अपना काम करने दीजिए। माई इनके अपन ड्यूटी करे दी, आप चिंता मत करिए। चलिए कमाल कर दिला शराफत भाई, कमाल कर दिला। अरे शराफत भाई रउआ तो अर्जुनवा के मच्छर के जैसे मसल दे ले पानी। ससुरा ना सांस ले सकी और ना ही रो पाई, सड़ी ससुर जेल में। बस ज्यादा खुश होके के जरूरत नहीं के, बहुत हो गई जशन। पुलिस के पास हमार करोड़ों रुपया जब्त बा, ओकरा ले आवे के जुगाड़ करा, नहीं तो बॉस तोनी के साथ साथ हमके भी टपका दिए, जाके लावे के जुगाड़ करा। जी शराफत भाई जी। अर्जुन भैया ये सब का हो गए बेटा? माई माई रुआ मत, सब ठीक हो जाई। पता ना भगवान हम सब के कितना इम्तिहान ली। ये एगो साजिश बा हमने के मिशन के रोके खातिर। हाँ सही बोल रहा बड़ा अर्जुन, ये सब दुश्मन के चाल हा। डीएसपी साहब आप वो सब मिलके हमनी के मिशन के रोकल चाहे ले, तबे तो सब साथ मिलके चाल चल रहा बाड़े, मगर हमनी के उनकर चाल के कामयाब ना होके दिहल जाई। हम जल्द से जल्द एसपी साहब से बात करके तुहरा रिहा करवाई, सब ठीक हो जाए। दुर्गा बहन रघुआ फिक्र ना करी। सर अर्जुन के मामले में हम कुछ तफ्तीश कैले बानी, एकरा में अर्जुन के कोनो दोष नहीं खे, ये तो दुश्मन के सोचल समझल चाल रहे। क्या बात कर रहे हैं आप? पुलिस कस्टडी में एक आदमी की हत्या हो गई जिसको अर्जुन ने बड़ी बेरहमी से पीटा है और आप ये तफ्तीश करके आए हैं कि इसमें अर्जुन का कोई दोष नहीं है? एसपी साहब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई बा, एमे मौत पिटाई से ना गला दबावे से भइल बा। क्या कह रहे हैं आप? हाँ सर हमनी के मिशन के नाकामयाब करे खातिर दुश्मन के साजिश रहे जिकरा में अर्जुन फंस गए। हो सकेला एकरा में हमनी के डिपार्टमेंट के कुछ लोग भी शामिल होके। अब करना क्या है वो बताइए। सर अर्जुन के जेल से निकाल के वापस लावे के होखी।
अगर ये विदेशी ताकतन के खत्म करे के होके तब अर्जुन के वापस लाके उनकर साजिश के हमेशा हमेशा खातिर खत्म करे के होगी। ठीक है, मैं मंत्री जी से बात करता हूँ। थैंक यू सर। ओके। अर्जुन, मंत्री जी और एसपी साहब के हुकुम से तोहरा के रिहा कर जाता, अब फिर से तू अपन पोस्ट पे तैनात बढ़ा। जौना काम खातिर तोहरा चुनल गेल रहे, अब तू ओकरा के पूरा कर। हमनी के दुश्मनन के कोनो भी चाल कामयाब ना होके दिहल जाई। जब तक दुश्मन के खात्मा ना हो जाए, हमनी के चैन से ना बैठब। यस सर। अब कितना इम्तिहान लेबा भगवान, हमार बेटा के शक्ति दा भगवान की बुराई के अंत कर सके। माई, माई, बेटा तू आ गई ले। माई, ऊपर वाला भी तुहार परीक्षा लेत लेत थक गए बा। देखा माई, हम जेल से रिहा हो गए नी। भगवान के लाख लाख शुक्र बा। और माई, हम कसम खा के आयल बानी कि वो सब गद्दारन के हम अब जिंदा ना छोड़ब। ए पूजा, ए पूजा, बोला का बोले क्या? हमरा का माफ कर दो, वो दिन जोन भइल ओकरा खातिर हम बहुत शर्मिंदा बनी। का करी, बाबूजी के डर से कुछ ना बोल पैनी, मगर अब हम फैसला कर लेले बनी कि शादी करें तो तोहरे से करें, वरना जिंदगी भर कुंवारे रह जाए। अमर, यहाँ का करत हुए? उहे करत नहीं जोन हमरा वो दिन करे के चाहिए। हमरे मना करने के बाद भी तू ई लड़की के साथ घूमत फिरत बाड़ा, शर्म नहीं आवत? शर्म तो रउआ आवे चाहिए बाबूजी, कि रउरा मुखिया बने खातिर ठाकुर से हाथ मिला लेनी जाके, वो समय में राउर शर्म कहाँ गई। अब हम फैसला कर ले बनी, शादी करें तो पूजा से करें, अगर रउरा खुशी बा तो आशीर्वाद दी, नहीं तो शादी कैला के बाद हम रउरा जिंदगी से चल लें। चला पूजा। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम। दुर्गा बहन, अर्जुन कहाँ हवे? अपना कमरे में बा, कोनो काम रहल? ना, बस इधर से गुजरत रहनी तो सोचनी की मिलत चली। अच्छा तो जाई ना, मिल ली ना। ओके। अर्जुन सारा पौरी। हाँ अर्जुन, हमके पता बा कि तू अब देश के दुश्मनन के ना छोड़बा, पर जोश में होश खोए के जरूरत नहीं है। दुश्मन बड़ा चलाक बा, हमनी के आंख में धूल झोंक के आजाद घूम रहल बा। वो सब के आजाद घूमे के वक्त खत्म हो गल बा सर, अब तो सब के ऊपर कफन डालल बाकी बा। वेरी गुड, यह टेम्परामेंट होके के चाहिए। देश के पड़ोसी मुल्क के छुपल गद्दार से बचाव बहुत जरूरी हो गल बा। और एक बात अर्जुन, खुफिया जानकारी मिलल बा कि सराफत नेपाली से पकड़ल गए नकली नोट के वापस हासिल करे के कोशिश करी। तू नोट के रिकॉर्ड रूम में सहेज के रखिए, हमारे एसपी साहब से बात हो गई बा। यस सर। सर, ई बैग में 20 करोड़ के नकली नोट बा और ऊ बैग में 2 करोड़ के असली नोट बा। ई हमनी अलग अलग छापामारी करके पकड़नी है। ठीक बा, एक एक कोर्ट के अगला तारीख तक एकरा के स्टोर रूम में संभाल के रखा, और ध्यान रहे कोनो परिंदा भी वहाँ पर ना मार सके। यस सर। सर, रउआ से मिले के बाहर आयल बा। अच्छा, बिठावा उनके। जी। एक संभाल के रखिया, लेकिन ध्यान रहे कि वो चुरा ना पाए। जी। अमर, तू और यहाँ? भाई जी, हमरा का माफ कर दी, हमसे तो बहुत बड़ा भूल हो गई बा, मगर हम पूजा के बिना नहीं रह सकता।
हम शादी करम तो पूजा से करम, चाहे हमर बाबूजी मानस चाहे ना मनी, बस हमरा के माफ कर दी, हमर पूजा से ब्याह हो जाए दी। देखा अमर, पूजा बहुत दुखी बाड़ी और माई भी, हम सबके ई उम्मीद ना रहे कि तू ऐसन करबा। आज तो हमरा पास आयल बाड़ा तो हम तोहरा के कुछ ना कहब, अगर अपना कैले पर पछतावा बात तोहरा के तो हमके ही शादी रोके के कौनो हक नहीं है, मगर माई और पूजा से बात तक करे के पड़ी ना। भैया हमरा और कुछ ना चाहिए, बस रहा आशीर्वाद चाहिए, अब रौरा ना बोल के हमर दिल न तोड़े, चलो तनी प्रणाम। जे भैल से बहुत अच्छा भैल, अब कम से कम पूजा तक खुश रही। हाँ, ये सोच के तो हम हाँ कहनी है, पूजा की उदासी अब देखल ना जा रहल बा और उकर रोल भी दिल में चुभ रहल बा। सर आपका फोन। हेलो, अच्छा जगह के पता चला। ठीक बा, खबर करिए महेश। यस सर, कोनो खबर बा? हाँ, आज शराफत नेपाली के रंगे हाथ पकड़े के टाइम आ गई बा, सब पुलिस वालन के अलर्ट कर दा और सब कर फोन अपने पास जब्त कर ला, कहे कि शराफत नेपाली बहुत चालाक है, कोनो अपने ही आदमियों के खबर न कर दे। देख लेला। ओ शराफत भाई। अरे बहादुर आवा आवा, का कैसन बाड़ा? ठीक हो भाई। सामान ले आईला? हाँ। ये देखो भाई। लगत बा पूरा मुल्क पर छा जाए वाला बा। देवा देख, नोट छापे के डाई। अब नोट के नेपाल से ले आवे के कोनो जरूरत नहीं है। अब त नोट के खेती एजे होखी। अब तक नाका पार करवा करवा के दिमाग के तही हो गेल रहल। अरे शराफत भाई, रहुआ तो पूरा के पूरा टकसाल ही उठा ले आई नी। अरे बहादुर जी, साहब जी, अपन वो वाला सामान कहाँ बा? है ना। ओ रसभरी। अरे रसभरी, अपना रस्त जरा बिखेर।
हेलो के हम देवकी चाची बोलत बानी माँ पूजा राधा सब किडनैप हो गए बाले माँ किडनैप हो गए जल्दी से घरे आ जाओ रुक हाँ चाची हम अभी आओगे देख ले ले ना मिलल ना कोई तोर पूरा परिवार हमरा पास बा के बोलो तड़ रहते अबे चुप फोन हम कैले बानी तो हम बोलब अगर अपन परिवार के सलामती चाहत आड़े तो पुलिस स्टेशन जो और वहां रखल सब असली और नकली नोट लेके आओ और पता हम फिर फोन करके बताए अगर याद रखिए अगर एक भी रुपया कम भइल तोहार परिवार के लोगन के एक एक अंक कम होखत जाई नाम्बा शराफत शराफत नेपाली और इस शराफत के शराफत नहीं आवेला शराफत नेपाली का बात अर्जुन ये कर फोन रहे सर शराफत नेपाली के फोन रहे वो कह रहा अलबा कि जब तक ओकर पैसा ना लौटाएल जाए वो माई पूजा और राधा के नहीं छोड़ी देखो अर्जुन कौन बात नहीं है तू चल हमारे साथ है। देखा अर्जुन वो पैसा लेके तू जा जब वो लोग के तोहरा पे भरोसा हो जाई तब तू दुर्गा बहिन पूजा और राधा के लेके वहां से निकल जाइ हम पीछे से पुलिस फोर्स लेके पहुंचता नहीं आज केहू बचे के ना चाहिए अर्जुन बेस्ट ऑफ लक तनी चल तू सबके रुपये आ गेल बना अब हमार माई बहन और राधा के हमरे हवाले कर दा अच्छा तो भतीजा के परिवार चाहिए देखा भौजी का तो हमरा कोनो जरूरत नहीं खे पर राधा हमरे रोशन के दुल्हनिया बनी समझ ले जवान संभाल के वो सब के हमरे हवाले कर दा अर्जुन भैया राधा के खातिर ऐसे ही मारा था ना तूने अब मारने की बारी हमारी और एक बात कान खोल कर सुन ले राधा को तो हम अपने साथ ही लेकर जाएंगे अर्जुन अर्जुन रुक जा रोशन अगर एकरा इतना मरबा ते ही मर जाई फिर बॉस के का बतावल जाई बहुत
बहादुरी दिखेले तू रे, अपन परिवार के लेके जेबे तू। शराफत नेपाली, तोर दुश्मनी हमरे साथ बा, हमरे परिवार के छोड़ दे। अर्जुन, इन सब के छोड़िए मत, ये सब तोर बाबूजी के कातिल हुवन। हाँ बेटा, ये बात इतना साल से अपना सीना में दबा के रखी है, बाकी अब वक्त आ गई बा इन सब के मौत के तमाशा देखे। बाकी तू हमनी की चिंता मत कर बेटा, अपन बाप के खून के बदला ले अर्जुन। अच्छा तब तू अब हमनी के मरबे, तोर पूरा परिवार के सफाया के टाइम आ गेल बा, लेकिन अक्कल ठिकाने ना आयल तोर। देश के दुश्मन लोग आज तोहनी के मरल तय बा, तू लोग का सोचला अब अकेले आयल बानी? अकेले आना, पूरा पुलिस फोर्स के साथ आयल बानी। तू और तोर पुलिस, तू का समझता रे कि यहाँ सबके मार देबे, हमनी के भी एगो बाप बा। बाप बा। हम तोरा खातिर डीएसपी, तोरा माई खातिर राजशेखर भाई साहब, और इन सबन के खातिर हम इनकर राजशेखर। तो ये सब आपके इशारा पर हो रहा बा? समझदार बाड़ा। देख अर्जुन, दुनिया में ऐश करे खातिर कैश की जरूरत होला, और पुलिस के नौकरी में ही मुमकिन नहीं खे। तोर बाप वीरू हमार बहुत अच्छा दोस्त रहे, पर तोहर लालची चाचा लोग मिल के ओकरा के मार डल ले। अरे शराफत, ये तो गर्जे लागल। वाह कमीना लोग वाह, आज हमरा के समझ में आ गए शीतल मुकदमा हम काहे हर ली। लेकिन तू लोग बचपन आए ताकि तू लोगन कहीं खिलौ ना हरकत में अच्छी तरीके से कैद हो गई। और जब ये लोग के करतूत हमार हाथ लगल तो ये सब हमार गुलाम बन गए। लेकिन जब ही लोग हमरा के डबल क्रॉस करे लगले तो हम अपन प्लान के सक्सेस करे खातिर हमें तोहार पोस्टिंग अपना इलाका में करवाले रहनी। अब तो नया नोट बनावे के गाय भी हमनी के हाथ आ गए बा, अब हमनी के तोहार कौनो जरूरत नहीं है। अब का हो कि दुर्गा बहन, अर्जुन के तो मरे के ही पड़ी। अपन गंदी जबान से हमके बहन मत बोला शेखर। और सुन, अर्जुन के जन्म तो तू सबके मौत के खातिर भई बा, और अब तू सबके मौत के वक्त आ गई बा। अर्जुन भाई जी घबराई मत, हम आ गेल बनी, मिल के मर ले सबके। Oh!
यही तो पता रहे कि घर के भेदी दुश्मनन के खबर देवेला, मगर हमरा की ना मालूम रहे कि विभीषण ही रावण था जे अपने ही लंका में आग लगवा देगा। रुक जाओ अर्जुन, सजा देने का काम कानून करेगा, छोड़ दो इसको। ना सर, देश के दुश्मनन के कैसे छोड़ दिया हम? कह रहा हूँ छोड़ दो, सजा देने का काम अदालत करेगी। पुलिस के नाम पे तुम धब्बा हो, भाग जाओ यहाँ से। अर्जुन के सिर पे खून सवार है, वो तुमको नहीं छोड़ेगा। एकर मतलब एसपी साहब आप भी? मार दो इसको, लिख देंगे छुड़ा कर भाग रहा था, इनकाउंटर में मारा गया। थैंक यू सर। लव, आज से पूजा तोहार हो गई और तू भी अब राधा की हो जाएगी। भीगी रात के बहाने आजा, बरसात के बहाने आजा, भीगी रात के बहाने आजा, बरसात के बहाने आजा, मेरे साजन मुझसे मिलने, मुलाकात के बहाने आजा, जा, जा, जा। भीगी रात के बहाने आजा, बरसात के बहाने आजा, भीगी रात के बहाने आजा, बरसात के बहाने के बहाने आ जा, भीगी रात के बहाने आ जा।